क्या बोले नाथ? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फिर से बताओ क्या कह रहा है महारानी? क्या आपकी समझ में नहीं आई महाराज? नहीं महारानी। तो सुन लीजिए महाराज। बोलो महारानी। तीसरा वरदान नहीं है महाराज, आपकी बड़ी पत्नी के 14 वर्ष के लिए वनवास। वनवास महाराज। स्वामी जी उठिए नाथ, उठिए महाराज, उठिए नाथ। हे ये उठिए प्रहलाद स्वामी। नदी है तरई, जय महादेव। स्वामी जी आप तो इतने से बात में आपकी आंखों में आंसू आ रहा है महाराज, लेकिन लेकिन महाराज, ओ महाराज। बोलो महारानी क्या कहना चाहती हूँ? लेकिन महाराज अभी तो, अभी तो बहुत बात है। स्वामी जी आप रोमाल लीजिए और पसीना पोंछ लीजिए महाराज। स्वामी जी हाँ महारानी। स्वामी जी अब रोने ढोने से काम चलने वाला नहीं है पतिदेव, आप जाइए और श्री की वनवास कीजिए। देखो महारानी क्या मैं देखूंगी, क्या सुनूंगी? जो गलती मैं तुम्हारे साथ किया हूँ वह सजा हमारे दो। अरे क्या बिगाड़ा है तुझे? ओह माय गॉड, हे प्रहलाद, जो सजा किए मैं, हमको सजा दो। हम
स्वामी जी कान खोल सुन के महाराज आप जाइए और शीघ्र वनवास अगर यहाँ वनवास नहीं करते नाथ तो इस मायापुर बाजार से लौट के अपनी नहीं आहो बेरी बेरी जय श्री राम स्वामी जी एक बात और सुन लीजिए महाराज क्या बात कहना चाहती हो बोलो महारानी आप उत्तमपुर शहर जाएंगे तो जानती हो हमारे के लिए ऐश कार्गो और बरौलो लेके इस मायापुर बाजार से हमें ले जाइएगा समझ गए स्वामी जी मैं इंतजार करूंगी इंतजार करूंगी इंतजार ठीक है महारानी मैं जा रहा हूँ और तुम इंतजार करो महारानी आहे लाजो नहीं जे लग छा लग जा बोलो महारानी मैं घड़ी की टाइम से आपको आपको मैं 5 मिनट की समय देती हूँ और 5 मिनट से एक भी सुइया गिर गया तो स्वामी जी समर्चा महाराज मैं पहले बचा दूंगी ठीक है महारानी जाओ महल मैं जा रहा हूँ ठीक है स्वामी जी अब इस मायापुर बाजार में मैं बैठती हूँ अब के बाद बैठ जाओ मेरा ही लेंगे बना Thank you.
مايا بروبا جاري مايا بروبا